नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ रितिका। इस वक्त की खबर जो है मैं आपको कश्मीर से दे दूं कि आतंकियों ने जो है वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर जो है उन पे ग्रेनेड हमला किया है। ये खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के छानपोरा इलाके की आ रही है कि वहाँ पे तैनात सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आतंकियों ने ग्रेनेड हमला जो है उन पर कर दिया है। और ये इस मामले में जो है एक जवान भी घायल हो चुका है और जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उधर हमलावरों की तलाश जो है वो इलाके में घेराबंदी कर अभियान को शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल किसी भी आतंकवादी को देखा नहीं गया, ना ही कहीं पर भी इस समय फायरिंग हुई है, लेकिन सुरक्षा बलों को वहाँ पर निशाना बनाकर उन पर ग्रेनेड हमला किया। मैं एक बार फिर बता दूं कि चांदपुरा इलाके में जो सुरक्षा बल तैनात थे उनको निशाना बनाकर आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया है। इस मामले में एक जवान घायल हो चुका है जिसे अब उपचार के लिए अस्पताल लेके जाया गया है। और उस पूरे इलाके को जो है वो घेराबंदी कर वहां पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है ताकि जो नाका पार्टी पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाकर उन पर हमला किया गया है उन आतंकवादी को पकड़ा जाए ताकि वहाँ पर और कोई जो है कैजुअल्टी ना हो पाए, कोई और हादसा जो है वहाँ पर ना हो, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अलर्ट हो चुकी है। फिलहाल घायल जो जवान था उसे इलाज के लिए अस्पताल जो है वो ले जाया गया है और वहाँ पर पूरे इलाके में जो है अब तलाशी चल रही है ताकि कोई भी सिविलियन जो है इस चीज़ का शिकार ना हो पाए और कोई भी हमला जो है उनकी ओर से दोबारा ना हो। जब भी इनकाउंटर वहाँ शुरू होगा वहाँ पर किसी भी तरह की कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों तक जो है वो ज़रूर पहुँचाऊँगी, लेकिन इस समय की ये खबर कश्मीर से आ रही है जहाँ पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आतंकियों ने ग्रेनेड हमला जो है वो किया है। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय देना ना भूलें और रेस्टोरेंट बाहू एक्सप्रेस के साथ।